बधाई। गोवर्धन सागर पर हमने एक आज नया पर्यटन केंद्र की तरह शुरू किया है। शहर में फतेह सागर पिछोला पहले से अपने नौकायन के दो अच्छे तालाब हैं। यहाँ पर भी पानी 12 महीने रहता है, परंतु नौकायन की सुविधा पहले नहीं थी, तो सोचा यही कि यहाँ भी शुरू की जाए। कुल मिलाकर नगर निगम का ध्येय यही रहता कि जितना ज़्यादा पर्यटक इस शहर में आता है तो निश्चित रूप से वो हर एक वर्ग को कहीं कोई रोज़गार दे जाता है, चाहे टैक्सी हो, ऑटो हो। यहाँ सिटी पैलेस घूमेगा तो वहाँ उनको देगा, कहीं परचेसिंग करेगा तो वहाँ, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन के केंद्र यहाँ विकसित हो। तो यहाँ पर हमारा एक गोवर्धन डी पार्क वह भी विकसित हो रहा, जहाँ पर पन्नादाय और चंदन उदय सिंह की मूर्तियाँ लगेगी। यहाँ पर विशेष रूप से एक रेस्टोरेंट भी साथ में दिया है, क्योंकि जहाँ भी टूरिस्ट जाता है तो कहीं न कहीं घूमने फिरने के साथ कहीं कहीं हल्का फुल्का नाश्ते की आवश्यकता भी रहती है। तो दोनों का इनका हमारा 5 लाख रुपए करीब प्रति वर्ष हमें आमदनी होगी, और साथ शर्त ये जुड़ी हुई है कि 10% प्रति वर्ष इसमें बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। प्रयास यही कि सारा शहर जो अभी फतेह सागर पिछोला जाता है, आधी आबादी हमारी हिरणमगरी उपनगरी क्षेत्र जो है, उनको इतना दूर नहीं जाना पड़े, वो सारे जो एंटरटेनमेंट के साधन वहाँ हैं यहाँ पर भी उनको एंजॉय कर सके। मैं पवन कपूर एमएम ट्रेवल्स की तरफ से, जैसा कि आप आज देख रहे हैं यहाँ पे गोवर्धन सागर पे हमने आज से नौका संचालन प्लस रेस्टोरेंट का काम साथ में निगम की तरफ से चालू किया है। ये टेंडर निगम की तरफ से किया गया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट और नौका संचालन दोनों साथ में किए जाएंगे, जिसको कि एक तरह से देख सकते आप सोच सकते हैं कि टूरिस्ट के लिए एक कॉम्बो पैक हो जाएगा। और इसमें नाव की सुविधा रहेगी, जिसमें पैडल बोट और स्लो बोट सब तरह की बोट्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। और रेस्टोरेंट भी यहाँ पे आप देख रहे हैं शिप की मॉडल का रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिसमें खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। क्या टाइमिंग रहेगी इसमें? सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7:30-8 बजे तक चलेगी।